भाई साहब की ट्रेलमेंट हो गई है, इसकी पावर जो है ना लाइन से उतर गई है। अस्सलाम वालेकुम। कल सुबह घोटकी रेलवे स्टेशन पर 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जो कराची से इस्लामाबाद जाती है, उसको एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा जब उसका लोकोमोटिव या इंजन जो है वो पटरी से उतर गया लेफ़्ट साइड पर और काफ़ी दूर जाकर वो बिलाखिर रुका। तो ये जो आपने इंट्रो में वीडियो देखी, ये एक दूसरी ट्रेन के पैसेंजर ने बनाई थी जो ग्रीन लाइन को कवर कर रहा था। अब मैं बताता हूँ कि हुआ क्या। हुआ कुछ यूँ कि रोड़ी रेलवे स्टेशन पर फरीद एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस साथ साथ थी। फरीद एक्सप्रेस कुछ देर पहले ग्रीन लाइन से निकल गई स्टेशन से, उसके बाद ग्रीन लाइन निकली और जब घोटकी पहुँचे तो फरीद एक्सप्रेस ने ग्रीन लाइन को रास्ता देने के लिए प्लेटफॉर्म वाले लाइन पर खड़ी हो गई ताकि ग्रीन लाइन गुजर जाए। अब ग्रीन लाइन के इंजन को किसी वजह पर, नामालूम वजह पर, वो डीरेल हो गया और वो लेफ़्ट साइड पर पटरी से उतर गया। उसके व्हील्स जो हैं वो आधे पटरी पर और आधे कच्चे में और आधे दोनों पटरियों के दरमियान में, और जिस जगह जाकर वो इंजन रुका वो फरीद एक्सप्रेस से बस चंद इंचेस के फासले पर ही रुका, जो कि अल्लाह का करम और मौजज़ा है। क्योंकि अगर वो मोमेंटम में और आगे जाता और उसी डायरेक्शन में जा रहा होता तो उसने फरीद एक्सप्रेस के पैसेंजर्स को ही जाके लगना था और अल्लाह ना करे फरीद एक्सप्रेस के पैसेंजर्स की कैजुअलिटीज़ हो सकती थी। अब आप ये देखिएगा कि कितना नज़दीक पहुँच कर ये इंजन रुका है, बस चंद इंचेस का ही फ़र्क और फासला रह गया था। मैं भी इसी ग्रीन लाइन में ही ट्रैवल कर रहा था, भावलपुर तक मुझे जाना था और मैं इंजन के बाद 5वें कोच में था एसी पार्लर में, और उस वक्त तो हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ। इमरजेंसी ब्रेक लगने के बाद जब गाड़ी रुकी तो फिर हम जब उतरे तो हमने ये मंज़र देखे। एक दफ़ा फिर ये वीडियो देखिए जो वो खड़ी हुई फरीद एक्सप्रेस के किसी पैसेंजर ने ग्रीन लाइन को आते हुए दिखा रहा था, अपने कैमरे से उसने बनाई थी, जब उसके सामने से ये गुजरी तो वो इंजन डिरेल हो चुका था, जिस पर उसने चीख कर कहा था कि 5 अप जो है वो डिरेल हो गई है। इस क्लिप में अगर आप देख सकें कि जो स्लीपर्स होते हैं दोनों ट्रैक्स के दरमियान में, ये कंक्रीट के थे उस जगह पर, तो बीच में से जहाँ ये एरो पॉइंट हो रही है, बीच में से ये जितने भी स्लीपर्स हैं ये सब टूट गए, सब क्रैक हो गए, क्योंकि जो इंजन के लेफ़्ट व्हील थे वो बहुत दूर तक, राइट व्हील जो थे वो बहुत दूर तक जो है वो इन स्लीपर्स के ऊपर से होते हुए गुजरे, जिसकी वजह से ये स्लीपर्स टूटे। अच्छा, इस हादसे की वजह से जो हमारी ग्रीन लाइन को पेश आया है, तो ये रहमान बाबा एक्सप्रेस गाड़ी ट्रेन जो है जो कराची की तरफ जा रही है, इसको लूप लाइन पर डाइवर्ट करके यहाँ से गुजार रहे हैं। ऐसा ऐसा ये अभी यहाँ पहुँची है, इसको GEU 4902 रीड कर रहा है और ये ऐसा ऐसा लूप लाइन से लूप स्टेशन को क्रॉस कर रही है। इस एक्सीडेंट की वजह से इसको इस लाइन से गुजारा जा रहा है। कुछ देर के बाद रेलवे वालों ने जब महसूस किया होगा कि जो फरीद एक्सप्रेस खड़ी हुई थी वो अगर गुजर सकती है इसी सूरत हाल में कि इंजन बहुत करीब तो है उसके, लेकिन अगर वो गुजर सकती है, तो ये वो मंज़र है जब फरीद एक्सप्रेस जो है वो अपनी जगह से
चली और आगे अपने मंजिल की तरफ गई। तो अब जो आपको मैं क्लिप दिखाऊंगा वो उस जगह से होगा जहां फरीद एक्सप्रेस खड़ी हुई थी और पहले हम नहीं देख सकते थे। ये देखें आप, ये ट्रेन के लेफ़्ट व्हील्स जो फ्रंट सेट होता है इंजन में, तीन व्हील्स, तीन और तीन छः, छः व्हील्स आगे होते हैं और छः व्हील्स पीछे होते हैं। तो ये फ्रंट के, फ्रंट लेफ्ट के तीन व्हील्स जो हैं ये पटरी छोड़कर कच्चे में आ चुके हैं और इंजन के पिछले तीन व्हील्स का जो सेट है लेफ्ट साइड वाला वो अभी उस वक्त तक जो है वो पटरी के ऊपर ही था। अब हुआ ये है कि जैसा आप देख रहे हैं GEU 40 9044 इंजन लग गया है ग्रीन लाइन में। 9007 जो कराची से आया था वो हादसे का शिकार हो गया था, तो 9044 लीड करेगा अब ग्रीन लाइन को, जो इस वक्त डाउन लाइन पर खड़ी है क्योंकि इसको पीछे लेकर गए थे और इसको डाउन लाइन पर लाए थे। और अब ये जब भावलपुर की तरफ हॉस्पिटल रवाना होगी तो ये आगे जाकर इसको वापस फिर अप लाइन पर ले आएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ जो हादसा हुआ था, और कोई और डैमेज नहीं हुआ, इंसानी जान भी बची और सिर्फ इंजन जो है वो डीरेल हुआ है, वो तो वापस ले आएंगे उसको। बहरहाल ये तकरीबन इस वक्त बज रहे हैं 10:30, ये 3-3.5 घंटे के बाद अब ये ट्रेन रवाना होने के लिए तैयार है। तो इसका डिपार्चर आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं इस ट्रेन में अब क्यों नहीं हूँ, तो उसकी वजह यह है कि चूँकि मैंने भावलपुर तक जाना था और भावलपुर में अगर ये ट्रेन अपने टाइम पर वहाँ पहुँचती तो मेरा वहाँ 3 घंटे का स्टे होता और फिर मैं लाहौर से आने वाली शालीमार एक्सप्रेस जो कि वहाँ 12:30 बजे पहुँचती है भावलपुर में, तो मैं उसको लेता और वापस कराची की तरफ रवाना हो जाता। लेकिन अब ये 3.5 घंटे यहीं लेट हो गई है, तो जब ये पहुँचेगी भावलपुर तो उस वक्त तक शालीमार एक्सप्रेस तो अपने टाइम पर भावलपुर से निकल चुकी होगी, तो उस ट्रेन को मैं भावलपुर पहुँच के तो नहीं पकड़ सकता। तो लिहाजा मैंने अब प्लान ये किया है कि मैं इस ट्रेन से यहाँ कोठी पर उतर गया हूँ और इसके डिपार्चर होने के बाद मैं यहाँ से बस या कोई ट्रांसपोर्ट लेकर वापस जाऊँगा रोड़ी की तरफ, और रोड़ी रेलवे स्टेशन पर मैं शालीमार एक्सप्रेस का जो शाम तक पहुँचेगी, मैं शालीमार एक्सप्रेस जिसने मेरी बुकिंग हुई भी है, मैं उसको अब रोड़ी में ज्वाइन करूँगा। तो इसलिए मैं इस वक्त ग्रीन लाइन में नहीं हूँ और ये सफ़र जो कराची से शुरू हुआ था भावलपुर तक के इरादे से वो अल्लाह का हुक्म नहीं था, इसलिए वहाँ तक नहीं हुआ। मैं यहाँ कोठी पर इस जर्नी को ब्रेक करके और रोड़ी की तरफ जाऊँगा।
है ये ब्रेक वैन लगी हुई है इसमें। एंड देयर गोज ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, बाय बाय। इस हादसे की जो वजह मैं समझ पाया हूँ, मेरे हिसाब से ये आप देख रहे हैं ट्रेन की पटरी के हालात, किनारे जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, किनारे झड़ चुके हैं और झड़ रहे हैं। ना जाने कितनी सदियाँ पुरानी ये पटरियाँ बिछी हुई हैं अंग्रेज़ों के ज़माने की, लेकिन अब जो इनकी हालत हो गई है और जो बतदरीज हो रही है, तो जो हादसा कल हुआ तो इस जैसे हादसात आइंदा होने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं अगर इन पटरियों को और इन ट्रैक्स को जो है कोई देखभाल ना की गई या इनकी मरम्मत ना की गई। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है।